students, a very good morning to all of you. Today we will study about acid, aroma and toxic substances present in vegetables. So let's start the topic. Students, सबसे पहले हम citric acid देखते हैं. Citric acid जो है एक natural preservative है और यह अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? Citric acid जो है citrus fruit में पाया जाता है, particularly lime और lemon में. इसके अलावा कुछ vegetables में भी citric acid होता है. जो citric acid होता है वो water, alcohol और ether में soluble होता है. Citric acid को विटामिन सी के साथ कंफ्यूज नहीं होना है. विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसलिए विटामिन सी और सिट्रिक एसिड बोथ आर डिफरेंट एसिड्स. तो सिट्रिक एसिड के जब वेजिटेबल्स के एग्जांपल लें तो उसमें देख लीजिए, सबसे पहले है बीट रूट, पोटैटो, टमाटो, लीफी वेजिटेबल और लेग्यूम्स. तो इन सब वेजिटेबल्स के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है. फिर आता है मैलिक एसिड. मैलिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक एसिड है. सिट्रिक एसिड या मैलिक एसिड क्या करते हैं, यह है सब्जी और फ्रूट्स के अंदर सौर या एसिडिक टेस्ट लाते हैं. तो जो मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में आता है और यह भी वाटर के साथ सोल्यूबल होता है. तो मैलिक एसिड कंटेनिंग वेजिटेबल के एग्जाम्पल देख लीजिए, ब्रोकली, कैरेट, सेलरी, लेट्यूस एंड अनियन. तो यह सब एग्जाम्पल जो थे मैलिक एसिड के थे. अब नेक्स्ट है अपना कंटेंट जो है वो है एरोमा प्रेजेंट इन वेजिटेबल. सो लेट्स सी फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरोमा होता क्या है. एरोमा इज अ प्लीजेंट स्मेल और फ्रेग्रेंट दैट कैन बी इजीली डिटेक्टेड बाय नोज एंड इट डेवलप ईटिंग क्वालिटी इन फ्रूट और वेजिटेबल्स ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल, एसिड एंड एस्टर्स एटसेट्रा. यानी एरोमा क्या है? एरोमा एक स्मेल है या फ्रेग्रेंट है जिसको हम अपनी नाक से इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं. यह फ्रूट और वेजिटेबल में राइपनिंग के टाइम एल्कोहल, एस्टर या एसिड के डेवलप होने के कारण आती है. तो कुछ यहाँ पर वेजिटेबल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसके अंदर जो एरोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल कंटेंट्स है उनको बताया गया है. तो सबसे पहले है कैबेज. जो कैबेज होता है, कैबेज में जो अरोमा है वो रॉ और कुक्ड में अलग अलग होती है. तो जो रॉ या कच्ची गोभी होती है, कच्ची पत्ता गोभी होती है, उनमें स्मेल का कारण क्या होता है? उसमें जो अरोमा है उसका कारण होता है एलाइल आइसोथायोसाइनेट. लेकिन जो कुक्ड कैबेज होती है उसमें स्मेल या फ्रेग्रेंस का कारण होता है डाइमिथाइल डाइसल्फाइड. फिर आता है नेक्स्ट एग्जांपल कुकुम्बर. कुकुम्बर में जो एरोमा है वो किसके कारण डेवलप होती है? नॉन एडिनल के कारण कुकुम्बर में एरोमा डेवलप होती है. फिर नेक्स्ट एग्जांपल है गार्लिक. गार्लिक में एरोमा जो है वो डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण डेवलप होती है. नेक्स्ट एग्जांपल है अनियन. अनियन के अंदर एरोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट जो है वो है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड. फिर आता है पोटैटो. पोटैटो के अंदर जो एलिमेंट है वो है डाइमिथाइल पाइरेजाइन. यानी पोटैटो में डाइमिथाइल पाइरेजाइन एरोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और नेक्स्ट क्रॉप है रेडिश. तो रेडिश के अंदर आइसोथायोसाइनेट जो होता है वो एरोमा डेवलप करता है. तो स्टूडेंट्स, आफ्टर एसिड और अरोमा नेक्स्ट हेडिंग इज टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वेजिटेबल. यानी सब्जियों के अंदर भी कुछ विषैले तत्व होते हैं जो आवश्यकता से अधिक होने पर हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेते हैं एग्जांपल. सबसे पहला एग्जांपल है सेलरी. सेलरी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो क्या है? एपीन है. इसके अलावा दूसरा है कोलोकेशिया, जिसको हम तारो भी बोलते हैं. कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाया जाता है? इसमें पाया जाता है कैल्शियम ऑक्सैलेट. फिर आता है कसावा. कसावा में आता है साइनामाइड ग्लाइकोसाइड्स. नेक्स्ट है कुकरबिट्स. कुकरबिट्स में कुकरबिटेसिन होता है. और नेक्स्ट एग्जांपल है पंपकिन. पंपकिन में होता है कॉलिन एस्ट्रेज. फिर आता है याम. याम के अंदर कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाया जाता है? याम में पाया जाता है डायोस्कराइन. नेक्स्ट है
एस्पेरेगस, स्पिनच और टोमेटो, इसके अंदर इन सब क्रॉप्स के अंदर क्या पाया जाता है, इन क्रॉप्स में सेपोनिन पाया जाता है। और लास्ट है क्रॉप वाटरमेलन, वाटरमेलन के अंदर पाया जाने वाला टॉक्सिक सब्सटेंसेस है सेरोटोनिन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने वेजिटेबल्स में पाए जाने वाले एसिड, अरोमा और टॉक्सिक सब्सटेंसेस की स्टडी की। स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू गिव यू टेस्ट सीरीज रिलेटेड टू BHU, RAU और अदर रिलेटिव यूनिवर्सिटीज एग्जाम। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग डॉक्टर सरोज चिंपा एग्री क्लासेस।